अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। बहुत सारे एमाल आपने देखे होंगे वसूल दौलत के लिए, कि दौलत हासिल हो, आदमी खुशहाल हो, लेकिन उन एमाल में सबसे मैच नहीं करते। तो मैच के लिए जब आप उस ख़ास अमल को करेंगे तो दौलत ज़रूर आएगी, क्योंकि अक्सर लोगों का मसला या ज़रूरत या हाजात का बराना दौलत से ही मुतसल है। यानी अगर दौलत होगी तो वो उसका मसला हल हो सकता है। मिसाल के तौर पे लड़कियों की शादी हो या लड़कों की शादी हो, कारोबार हो, तजारत हो, रोज़गार हो, तमाम कामों के लिए आपको पैसों की या दौलत की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत सारे एमाल हैं, बहुत सारे तलाशम हैं, लेकिन जो मैं अमल आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ ये किसी किताब से नकल नहीं की गई, क्योंकि जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उनमें अक्सर करके सदरी या मुकाशवाती या अपने इल्म के तौर पे जो कुछ मुझे मालूम होता है वो बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, पॉजिटिव पावर, कुव्वते मस्बत, इजाफी ताकत के लिए या बुदू को पढ़ा जाता है, और ये सरीउल तासीर है। जिस तरह ये किसी को खींच के लाता है, किसी बंदे को खींच के लाता है हाज़री के अमल में, ये करता है। जिस तरह किसी बंदे को हाज़र करने का अमल हो कि वो मोहब्बत में फ़र्त तरफ से आपकी तरफ बढ़ा हुआ आए, और इसी तरह कोई बंदा हो उसको हाज़र करने के लिए ये अमल करते हैं, वो उसको नक्श बना के देते हैं, फिर वो जेब में रखता है या दरख्त में बांधता है या पानी में बहाता है या किसी चीज़ पे दम करके खिलाता है। तो जो कुव्वत पॉजिटिव काम करती है वो याबुदू की होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें ये पावर है कि किसी चीज़ को हाज़र कर सकती है। जब वो हाज़र कर सकती है किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम हाज़रिए दौलत का अमल कर सकते हैं। हाज़रिए दौलत कैसा किया जाता है, किस तरह से किए जाते हैं, तो इसका नक्श किस तरह से बनता है, ये मेरा मुकाशवा है। मुझे पहले से पता है, लेकिन आज क्योंकि आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले वुदू की जो अमल बताई थी, तो एमाल भी वो देने चाहिए जो उसी से मुतसल हों। तो इस सिस्टम में ये कुव्वत है कि खींच के ले आएगी,
दौलत को, अच्छी चीज़ों को खींच के ले आएगी। इसको करने के तरीक़ेकार अगर आपको मालूम हो तो ये सरीउल तासीर है, बरकत ही बरकत है। अब इसको करने का एक आम सादा सा तरीका मैं बताता हूँ कि दौलत से जो हरफ मंसूब है, जिसकी तरफ दौलत होती है, दौलत से मंसूब जो हरफ है वो रा है। रा से या रहमान, या रहीम, या रजाक, या राफ़, या रशीद, ये तमाम अस्मा इसी से ही हैं, या रऊफ़ रहीम, ये सब इसी के साथ हैं। तो एक ये इसके कुछ शरायत समझें, इसको लिखना जो है रात के वक्त और इस नक्श को बनाने का बेस्ट तरीका जो है वो रात ही है। दिन को ये नकूश नहीं लिखने चाहिए। जो लोग शिकायत करते हैं तो उनके पास, जब अक्सर लोगों के पास, आमलों के पास जब लोग आते हैं साइल, तो उनको वो दिन को नक्श बना के देते हैं, वो अक्सर करके काम नहीं करते। तो ये अमल की गलती नहीं है, बल्कि नक्श को गलत टाइम पे लिखने की वजह होती है। अगर आप याबुदू के नकूश का तासीर देखना चाहते हैं तो इसको रात के वक्त लिखें, रात के वक्त उस पर दम करें, और दम करने का जो वक्त है उसको भी सिलेक्ट करें कि कौन सी, तो इसमें जो सात हैं उनका इंतखाब करें, मुश्तरी है, मरीख है, कमर है। तो कोशिश करें तस्खीर खल्क के दौलत के लिए मुश्तरी के वक्त में इसको करें। अगर आपको इससे ज़्यादा इल्म है तो ताले वक्त होत, असेंडेंट पाइसेस में, या मीन राशि, जिसे मीन राशि कहते हैं, जो मछलियाँ होती हैं दो पांड में, उसको उस वक्त में, उस घंटे के अंदर आप बैठें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। और बखूरात हसबे सयारगान अख्तियार करें, अगर ना हो तो फिर हरमल, धूप, लोबान, जो भी मैसर हो उसे करें। बेहतर है कि सयारगान के मुताबिक करें और फिर उसकी पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई को के लिए जिन लोगों की रियाजतें हैं तो वो उस मौकिल को सिर्फ पढ़ के उस पे दम करेंगे, 21 मरतबा दम करेंगे तो नक्श काम करेगा। जिनकी रियाजतें नहीं हैं तो उनको रोज़ाना की बुनियाद पे उस नक्श पे दम करना होता है ताकि उसकी तासीर ज़ाहिर हो जाए, लेकिन वो ज़कात नहीं होती, वो सिर्फ नक्श से इस्तफादा करना होता है और उसमें रेगुलरिटी चाहिए। जबकि एक आमिल जब इसका अमल करता है तो उसे रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो नक्श रात को लिख के और उस पर जब दम करता है तो तासीर ज़ाहिर हो जाती है। अब उस नक्श वुदू को एदाद में नहीं लिखना, बल्कि एक मुसलिस नक्श लिखना है जिसके हर खाने के अंदर वुदू लिखना है, और इसके साथ इसको जो नक्श को लिखना है वो आबी चाल में लिखें। आबी चाल में ये नक्श लिखना है और जब आप इस नक्श को आबी चाल से लिखेंगे, यानि मुसलिस आबी, अब मुसलिस आबी का मैं डायरेक्शन भी बता दूं कि आबी नक्श किस तरफ से लिखा जाता है।
नॉर्थ साइड से जो एक का हरप चाल होती है, जिस तरफ नॉर्थ साइड से एक लिखा हो वो जो है मुसलस आबी कहलाता है। उस तरफ से आप इसको लिखेंगे, जहाँ पे एक लिखा है वहाँ पे आप पहले रा लिखेंगे, रा मतलब रे लिखेंगे या आर लिखेंगे। आर का मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, आप उर्दू में या अरबी में वो लिखेंगे, और साथ में बुदू लिखेंगे। अब इन हरूफ को मिलाना नहीं है बल्कि साथ में लिखना है, मिलाना नहीं है। अच्छा, ये जब लिख गए तो फिर दूसरे खाने में भी इसी तरह लिखेंगे, रा के साथ बुदू लिखेंगे, तीसरे में, चौथे में, और फिर नौ खाने ये मुकम्मल हो गए। अब इस पे पढ़ाई क्या होती है, जिन लोगों को अमल किया होता है वो सिर्फ़ मौकिल एक ही पढ़ देंगे, जो उनको उस वक्त हाज़िरी होती है और उसको नाम बता के जाता है कि इस तरह से मुझे बुलाना है, या शरायत होते हैं उनके, जिनका कोई मतलब अमल नहीं किया हुआ है और आम आदमी है तो वो इसको कैसे पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए रा का मौकिल अमवाकील है, और अमवाकील के साथ या रजाक या रहमान या राफ या रहीम इसको पढ़ेंगे, और रा के एदाद 201 हैं तो हर खाने पे इसको 201 मरतबा पढ़ेंगे। रा को 201 मरतबा जब बा मौकिल पढ़ेंगे तो साथ में या बुदू का जो है वो शुरू हो जाएगा, और या बुदू को जो चार मौकिलात मशहूर हैं, अजबिया जबरील या दरदाइल या रफ्तमाइल या तनकफील बेहक या बुदू हो, ये पढ़ेंगे। और इसको हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे 20 मरतबा एक ही खाने के अंदर, एक ही सेल के अंदर, तो फिर दूसरे खाने पे आ जाएंगे 20 मरतबा, वहाँ पे रा को 201 मरतबा, और फिर 20 मरतबा इस मौकिल को पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ने के बाद फिर आप जो हैं हुक्म लगाएंगे कि ए मौकलाने अजीमत, मैं आपको हुक्म देता हूँ कि मेरी माली इमदाद फरमाएं और दौलत की आमदनी में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म करें, ताकि मेरा जो है मुआशी निज़ाम खुशहाली में पलट जाए। इस तरह कहने के बाद आप उस नक्श को बंद करेंगे। इसे ये अमल जो मैंने बताया है, इसको करने से पहले समझ लें क्या क्या चीज़ें करनी है। हिसार करना होता है क्योंकि ये बामौकिल है, तो उसके लिए दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चार कुल और फिर दरूद शरीफ, ये लाजमन पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद ये नक्श दौलत बन गया। ये नक्श दौलत आपका एक ओरिजिनल कॉपी बन गई, जो कि आप अपने पास रखेंगे, अपने दुकान की तिजोरी में रखेंगे, अपने दुकान के खाने में रखेंगे, जहाँ पे पैसे रखते हैं। आपके पैसे बढ़ने लगेंगे, अगर बढ़ने लगें तो भी किसी से ज़िक्र ना करें कि मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बल्कि ये दस्ते गैब है और दस्ते गैब का ज़िक्र नहीं किया जाता किसी से। अगर आप किसी से ज़िक्र करेंगे तो फिर वो चीज़ बंद हो जाती है, ये थोड़ा सा जहन में रखना। अब जब ये दस्ते गैब शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला के नाम पे कुछ ना कुछ दिया करें। इस नक्श के मोकलान की न्याज मीठी चीज़ है, मीठी चीज़ में आपको चावल और गुड़ वाले मीठे चावल स्पेशली तौर पे, ख़ास तौर पे आपको ये दरिया में डालने हैं या मछलियों के तालाब में डालने हैं। दरिया ऐसा जो साफ पानी वाला हो और मछलियों का तालाब भी हो, दरिया वो जो मछलियाँ भी हों साफ भी हो, जो बड़े दरिया होते हैं, नहर हो,
अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको समंदर में कर सकते हैं, और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो ऐसा तालाब देखें जिसमें मछलियाँ हों। अगर मछलियों का तालाब नहीं है तो फिर ऐसा कुआं देखें जहाँ पे मछलियाँ हों। इसके करने से बरकत का ज़हूर होगा, और नक्श का जो बरकत है, फैज़ है, जो इसमें आदम उसमें आपने लिखे हैं, पढ़े हैं, उसका जो है फैज़ जारी हो जाएगा। तो ये है, इसका हिसार मुकम्मल करना है और इस नक्श को उन दिनों में ख़ास तौर पे कर सकते हैं जब शरफ़ ज़हरा हो, और शरफ़ ज़हरा जब होता है तो उसकी भी बरकत होती है। शरफ़ ज़हरा की पहचान एक तो आप जंत्रियों में देखते हैं, उस वक्त आप शिमाल की तरफ़ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ़ देखेंगे तो एक ख़ूबसूरत सा स्टार चमकता हुआ आपको नज़र आएगा। वैसे किसी भी वक्त इसको किया जा सकता है, सात या ताले वक्त का लिहाज रखते हुए इसको किसी भी वक्त किया जा सकता है। अरूज माह हो तो ज़्यादा तासीरात ज़ाहिर शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। ये नक्श दौलत है, ये नक्श दौलत का मैंने एक तरीका बताया है, नक्श दौलत के दूसरे तरीके भी हैं, तो इंशाल्लाह उसका तज़किरा बाद में करेंगे। खुदा हाफिज़।